आईआईटी रुड़की के 175वें स्थापना दिवस पर इस आईआईटी और हैदराबाद के शासी परिषद के चेयरमैन श्री बीबीआर मोहन रेड्डी जी, उनको जाना है, अपनी फ्लाइट थी उनकी, पोस्ट एंड के सेक्रेटरी श्री विनीत पांडे जी, इस बहुप्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक श्री के पंत जी, समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार जी, इस रूडिक के विधायक प्रदीप बत्रा जी, गौरव गोयल जी, शोभाराम जी और देश भर के बाहर इस प्रतिष्ठित संस्थान से निकले सभी पूर्व छात्र एलुमनी, यहाँ के सभी प्रोफेसर्स, संकाय के डीन, कर्मचारी और हमारे नए भविष्य के निर्माण करने वाले यहाँ के सभी विद्यार्थी, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये उत्तराखंड की धरती जो हमारे आध्यात्मिक धर्म संस्कृति पर्यावरण योग विज्ञान के रूप में जानी जाती है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिक नवाचार आईआईटी रुड़की के कारण इसका महत्व अपने आप में बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो ऋषिकेश, हरिद्वार, हमारी मां गंगा, हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारे योग विज्ञान आयुर्वेद, लेकिन उस सब से भी ज्यादा यहां के देश के नवनिर्माण में यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने इस देश में, इस देश के विकास में, इस देश के आधारभूत ढांचे निर्माण में, नई टेक्नोलॉजी विज्ञान के अंदर जो नए इनोवेशन किए हैं, जिसके कारण भारत आज आत्मनिर्भर भी बढ़ रहा है और तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर बदलाव भी आ रहा है। और विशेष रूप से जब इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी जो देश में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग संस्थानों के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, राष्ट्र के निर्माण में सेवाएं दे रहे हैं और भारत के बाहर भी दुनिया के अंदर नए इनोवेशन रिसर्च, कई कंपनियों के सीईओ में उनका योगदान, और उस योगदान को जो हमारा पढ़ने वाला विद्यार्थी है, जो पुराने विद्यार्थी मानते हैं कि हमारी 21वीं सदी की ये पीढ़ी नए इनोवेशन, नई सोच,
नए विज्ञान टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिक से इस भारत को सशक्त बनाएगी, मजबूत बनाएगी। और दुनिया के अंदर जो वैश्विक चुनौती है, उस वैश्विक चुनौतियों का समाधान इन IITN के विद्यार्थी करेंगे। इसके लिए पुराने विद्यार्थियों को नए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, ये समारोह अपने आप में विशेष महत्व रखता है। मुझे खुशी है कि इस संस्थान ने आजादी के पहले भी यहां पर थॉमसन कॉलेज के रूप में, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में, तो आजादी के पहले का दौर देखा, स्वतंत्रता संग्राम का दौर देखा, और फिर आजादी के बाद इस 75 साल के अंदर बदलाव का ये नया भारत देखा। एक इसकी प्रतिष्ठा इस 175 साल में लगातार इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। प्रतिष्ठा बढ़ाने में जहां पर भवन की, संसाधनों की, इक्विपमेंट की महत्व रहती है, लेकिन उससे ज्यादा यहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों, उनके ज्ञान कौशल, उनके इनोवेशन, नए तकनीकी, नई सोच के कारण इस संस्थान ने 175 वर्ष के अंदर प्रतिष्ठा हासिल की है। उन सभी पुराने विद्यार्थियों को, एलुमिनियम का, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे खुशी है कि आज भी वह 175 साल के इस लंबे कार्यकाल के अंदर, 2001 में यह संस्थान IITN बना, लेकिन आज भी वह पुराने एलुमिनियम विद्यार्थी इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। मुझे हमारे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में चेयरमैन राजीव शर्मा जी बड़े उत्साहित थे। मैं कोटा था, उनका टेलीफोन आया, मैं कुछ पहले आगे पीछे हुआ, लेकिन मैं उनकी कार्यशैली को देखता था कि हर कार्य में बहुत उत्सुकता से काम करते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से संस्थान को लाभ में लाने का काम किया। उनका आग्रह रहा तो मेरे को भी लगा कि आपके अनुभवों का, आपने जो कुछ जिंदगी में ज्ञान कौशल तकनीकी प्राप्त किए, उसके अनुभव का लाभ भी मैं लूं, इसलिए मैं आपसे सीखने, समझने, आपके अनुभव का लाभ लेने आया हूं। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा प्राचीनतम लोकतंत्र, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संविधान और हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के साथ हमारी विविधताएं, डाइवर्सिटी, ये हमारी ताकत है। और दुनिया के अंदर हमने इसके कारण ही एक स्थान भारत का बनाया। इस 75 साल में जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमने इस लोकतंत्र की 75 साल की आजादी के बाद भारत में इन संस्थानों के माध्यम से आधारभूत ढांचे, नई तकनीकी, नए विज्ञान, नई सोच के साथ भारत को प्रगति पे की है। लेकिन हमारी प्रधानमंत्री की सोच, उनका स्केल, उनकी स्पीड, उनकी गति, उनका सोच स्पीड होने के कारण उनका नया संकल्प कि जब आजादी के 100 साल हो, भारत विकसित राष्ट्र बने और दुनिया के अंदर भारत हर क्षेत्र में नेतृत्व करे, ये अपेक्षाएं, आकांक्षाएं देश की जनता से उनकी है। और उसी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को लेकर आप लोग काम कर रहे हैं।
आपकी उम्र कितनी भी हो गई हो, लेकिन आपका संकल्प, आपका सामर्थ्य, देश के प्रति आपका समर्पण, आपकी सेवाएं आज भी इस नए विकसित भारत बनाने में है। और आपकी इन सेवाओं को देख के, आपके संकल्प को देखकर इन नए विद्यार्थियों में नई ऊर्जा आएगी, नई सामर्थ्य आएगी। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम की कि आपकी प्रेरणा से नई ऊर्जा मिलेगी। तभी ये बदलते हुए भारत के अंदर एक नई तस्वीर बनाने में योगदान दे सके। आप सबका एक बहुत लंबा अनुभव है, मैं भी कुछ देशों में गया हूं और किस तरीके से वहां के देश के विश्वविद्यालयों के अंदर वहां के पुराने पढ़ने वाले विद्यार्थी एलुमिनी आज भी उन विश्वविद्यालयों से जुड़े रहते हैं और उस विश्वविद्यालयों के विकास में अपना योगदान, अपना समर्पण, अपनी सेवाएं, जो कुछ भी धन कमाया उसमें अपना योगदान आज भी देते रहते हैं। इसी परंपरा को आपने आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे आईआईटी विश्व में सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रौद्योगिकी, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं और वैश्विक स्तर के समकक्ष के ऊपर वो नई सोच, नए विचार, नई प्रौद्योगिकी के साथ, नवाचार के साथ, नए इनोवेशन के साथ आज नई चुनौतियों का समाधान दे रहे हैं। जब कोरोना वैश्विक महामारी आई उस समय लगा था हमें कि हमें वैक्सीनेशन के लिए, हमें पीपी किट के लिए हमें बाहर के देशों पर देखना पड़ेगा, लेकिन हमारे यही आईआईटीएन, यही मेडिकल साइंस के विद्यार्थी, ये नई रिसर्च करने वाले नौजवानों ने उस वैश्विक कोरोना महामारी के अंदर अपने कम समय के अंदर अपने नए रिसर्च से, नए इनोवेशन से बेहतर टेक्निक देकर दुनिया के अंदर उस चुनौतियों का एक समाधान दिया। और इसके लिए आईआईटी रुड़की ने भी जो नवाचार किया उसके लिए मैं यहां के डायरेक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने उस चुनौतियों का समाधान जल्दी कर देश का एक बेहतरीन काम किया। और इसके लिए विशेष रूप से यहां की फैकल्टी, यहां के विद्यार्थी साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, आज दुनिया के अंदर भारत आर्थिक डेस्टिनेशन का सबसे प्रमुख केंद्र बन चुका है। हम हर क्षेत्र के अंदर, चाहे प्रौद्योगिकी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे एयर स्पेस का सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर हमारे ये नौजवान नए रिसर्च, नए सोच के कारण, अपने बेहतर स्टार्टअप के कारण आज चुनौतियों का समाधान भी दे रहे हैं और भारत की आर्थिक ताकत और शक्ति को भी, सामर्थ्य को भी मजबूत कर रहे हैं। और इसीलिए दुनिया के अंदर भारत के नौजवानों के स्टार्टअप के कारण आज 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप हमने इस दो दशक के अंदर हमारे नौजवानों ने बनाए, उससे हमारा आर्थिक तंत्र मजबूत हुआ,
कई समस्याओं की चुनौतियों का हमने ठीक से समाधान निकला और हर सेक्टर के अंदर समाधान निकला। आप हमारे प्रौद्योगिकी पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंजीनियर डॉक्टर हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता के कारण देश के अंदर भी योगदान दे रहे हैं, दुनिया के अंदर भी, उन देशों के अंदर योगदान दे रहा तो भारत का नौजवान दे रहा है। और इसीलिए हमें बदलते परिप्रेक्ष्य में हमारे विश्वविद्यालयों को भी रिसर्च के इनोवेशन के सेंटर बनाने पड़ेंगे। अभी तक हमारे आईआईटी ही रिसर्च इनोवेशन के सेंटर बने, लेकिन बदलती शिक्षा नीति के अंदर हमें विश्वविद्यालयों के अंदर शिक्षा के साथ साथ हमारी कौशलता, हमारी तकनीकी विज्ञान, नई सोच को डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि भारत का हर विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी नए इनोवेशन, नई रिसर्च, नई खोज करे और हर चुनौतियों का समाधान करे। और इसीलिए आज बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जब चौथी औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा है, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोट्स, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रौद्योगिक की नई तकनीकी विज्ञान के अंदर भी हमारा नौजवान लगातार नया रिसर्च कर रहा है। हमारे यहां पर एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा सेक्टर है और एग्रीकल्चर में भी हमारे स्टार्टअप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। कम जमीन में ज्यादा उत्पादन, उसका वैल्यू एडिशन कर आने वाले समय में हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दुनिया के अंदर निर्यात करने का सबसे बड़ा हब बने, ताकि हम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। मुझे खुशी है कि क्षेत्र में आईआईटी रुड़की काम कर रहा है, यहां के आसपास के किसानों को एग्रीकल्चर के नए रिसर्च, नए स्टार्टअप समय समय पर उनको जानकारी देना, और उसके साथ साथ आईआईटी रुड़की ने यहां जितने भी संस्थान लगे हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर की संस्थान या काम कर रही है, उनको भी अपने कैंपस में इनोवेशन, नए रिसर्च कर उसका समाधान देने का काम कर रहे हैं। साथियों, आने वाले समय के अंदर हमारे ये विश्वविद्यालय के कैंपस, हमारे नौजवान ही हर चुनौतियों का समाधान करेंगे। नए इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर नए इनोवेशन, नए रिसर्च करने का केंद्र बनेंगे। और जिस तरीके से दुनिया के विकसित देशों के अंदर, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उपभोक्ता सेवा हो, चाहे विज्ञान हो, उन सारे सेक्टरों के अंदर विश्वविद्यालय रिसर्च और इनोवेशन और वहां के नई सोच के साथ, नए रिसर्च करने के साथ बेहतर तकनीकी ज्ञान कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे आईआईटी और हमारे विश्वविद्यालय कैंपस भी इसी तरीके का समाधान करेंगे, क्योंकि हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता पर भरोसा है। मैं आज इस विषय पर यहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, कोई ने माइनिंग क्षेत्र के अंदर काम किया, कोई ने भूकंप के क्षेत्र में काम किया, कोई ने आईआईटी के अंदर काम किया, ये गंगा की नहर, ये भागड़ा पंजाब, हमारे राजस्थान की नहर, ऐसे कितने ही भारत में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, विज्ञान के अंदर उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। उनके योगदान को मैं आज याद करने का दिन है,
और उनके योगदान, उनके काम, उनके अनुभव के लाभ आने वाले विद्यार्थियों को मिले कि किस तरीके से उन्होंने इस संस्थान में पढ़कर, चाहे प्रशासनिक सेवा हो, चाहे कंपनियों के सीईओ, चाहे बड़े बड़े बांध हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और नहर हो, क्योंकि किसी समय ये आईआईटी रुड़की विशेष रूप से इंजीनियरिंग सेक्टर में बड़ा काम करता था। अब तो विभिन्न विषयों के अंदर, विभिन्न संकायों के अंदर यहां पर रिसर्च, इनोवेशन, शिक्षा, कौशल का काम चलता है। लेकिन आज हमारा दिन यही हो कि आने वाला विद्यार्थी यहां के पूर्व विद्यार्थियों के अनुभव, उनके रिसर्च, उनकी सोच, उनकी आज भी काम करने की क्षमता, आज भी उनके काम करने का उत्साह, उसको देखकर उस नए विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी कि नए भारत, आत्मनिर्भर भारत में पुराने विद्यार्थियों के अनुभवों का लाभ लेते हुए हम किस तरीके से दुनिया के अंदर जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आए तो भारत से निकले, मेडिकल के अंदर कोई रिसर्च हो, पेपर निकले तो भारत के निकले, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई परिवर्तन निकले तो भारत से निकले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर कोई निकले तो भारत से निकले, रोबोटिक के अंदर निकले तो भारत से निकले, हर सेक्टर के अंदर मेरा देश अग्रणी रहे और दुनिया के अंदर हर चुनौतियों का समाधान भारत का नौजवान करे, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आप दूर दराज के राज्यों से आए। मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आज भी आप इस माटी से, संस्थान से जुड़े हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।